हाय फ्रेंड्स, आई एम अहमदाबाद ने अभी 2 ईयर ऑनलाइन एमबीए लॉन्च किया है, जिसका कोर्स स्टार्ट होगा अराउंड अगस्त और सितंबर। एडमिशन प्रोसेस इज थ्रू द कैट और थ्रू द जीमैट। लास्ट 5 ईयर्स का स्कोर वैलिड है। इनका एक स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। इट्स लाइक अ 20 लाख रुपीज कोर्स, प्लस जो आप कैंपस में जाएंगे तो जो ट्रैवल एंड फूड एंड अकोमोडेशन होगा वो भी सेपरेट है। एंड एट द एंड ऑफ इट यू गेट अ एलुमनाई स्टेटस। Now, just like I am Ahmedabad, all the B schools, international में आप INSEAD और SDA Bocconi and Harvard देख लो, या इंडिया में जितने IIMs हैं, ISBs हैं, XLRIs हैं, they all promote executive education in a big way. इसका reason कोई surprise नहीं है, professors हैं, system है, infrastructure है, उसी system के fixed cost पे एक additional layer of revenue बन जाता है corporate executives को education देना। एंड दीज एजुकेशन इज फॉर दोज इंडिविजुअल। ये जो प्रोफेशनल होते हैं दे आर लाइक दे डू नॉट वॉन्ट टू लीव देयर फुल टाइम जॉब एंड दे वॉन्ट टू अपग्रेड द स्किल्स। सो इन द प्रोसेस अगर कोई मेरे से पूछता है कि भैया ये 5 लाख का एक कोर्स है, ये 10 लाख का कोर्स है, ये 20 लाख का कोर्स है, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव MBA। ये एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, जिसके बाद मेरे को कोवेटेड एलुमनाई स्टेटस भी मिल जाएगा, काफी अच्छा एजुकेशन होगा। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर कंपनी स्पॉन्सरिंग दिस? तो एग्जांपल 5-6 लाख का प्रोग्राम है और आपकी कंपनी उसको फुल्ली स्पॉन्सर करिए तो आंख बंद करके कर लीजिए, नथिंग लाइक इट। यू गेट फॉर एग्जांपल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, इंजीनियर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट स्किल्स का फॉर्मल एजुकेशन हेल्प करता है। बट क्वेश्चन फिर आ जाता है, अगर खुद का पैसा लगना है देन इज इट वर्थ द ROI और नॉट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि आप मैस्लोज हायरार्की के किस लेवल पे हो। तो एग्जांपल आपने मनी वाला प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व कर लिया है, होम है, EMI मुक्त है, फेयरली गुड बैलेंस इन द बैंक, काफी स्टॉक म्यूचुअल फंड है, तो अब आप नेक्स्ट करोगे क्या? तो फिर लोगों को लगता है यार मैं 10 साल पहले ना मेरा MBA करने का बड़ा मन था, लेकिन उस समय फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा था कि मैं MBA नहीं कर पाया, या एटलीस्ट ना मामा से काना मामा ही अच्छा होता है, चलो MBA कर तो लेते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये ऑनलाइन MBA लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि फंडिंग कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो मतलब एकदम कॉम्प्रीमाइज करके मेकिंग एंड्स मीट, और उसके बीच में आप स्क्वीज आउट कर रहे हो 10-15 लाख रुपया फॉर दिस एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, तो वहां पे आपको बहुत सर्कमस्पेक्ट होना है। बट आपके पास सब्सटैंशियल पैसा हो चुका है, आप मैस्लोज हायरार्की आपको बोल रहे हैं कि भैया आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कुछ बड़ा कुछ ताजा करना है, तब बड़ा अच्छा है। तो when the company sponsors it or when you have reached that level कि आप master hierarchy में, तब तो कोई question नहीं है, it's a no-brainer, you should go for it. But जो middle layer है, वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ROI को आप कैसे define करोगे? No doubt the programs are very well managed, very well designed, because एक IIM का professor है, world class होता है, वो आपको class में case study discuss करेगा, ऐसा aha moments आएगा आपके life में कि अरे वाह यार मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया ऐसा, and they are masters at that. But आपका ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ लर्निंग रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा मुझे करियर में भी इंपैक्ट चाहिए। अब करियर में इंपैक्ट स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में MBA इज मोर अबाउट द एंट्री बैरियर रादर देन द एक्चुअल लर्निंग ऑन द कैंपस। ये देखिए रियलिटी है, आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट तो आप कोर्सेरा में फ्री भी ले सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स है, खान अकेडमी, कोर्सेरा, बहुत सारे बी स्कूल्स हैं इंटरनेशनली जो अपने कोर्सेज को फ्री डाल रहे हैं ओपन सोर्स में। तो इंडिया में क्या है, MBA इज मोर अबाउट द एंट्री बैरियर। अब इतने एडुकेशन है कि जो एग्जीक्यूटिव एडुकेशन ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर लाइक अ रेवेन्यू सेंटर फॉर दीज इंस्टीट्यूट, इसमें कोई बहुत स्ट्रिंजेंट एंट्री बैरियर नहीं होता कि भाई 2 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से मात्र 400 लोग आए हैं अहमदाबाद में जा रहे हैं, या 5,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें 80 लोग को ले रहे हैं। इसमें मोस्टली एप्लीकेंट्स टू सिलेक्ट रेशियो विल बी 1:1, आप अप्लाई करोगे और फेयरली ओके हो तो आपको ले लेगा बिकॉज इट्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, तो वो एंट्री बैरियर नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप किसी को बोले अरे मैं MBA हूँ, ISB से हूँ, IIM से हूँ, XLRI से, अच्छा बोलेगा अच्छा कौन सा वाला? एंड ये जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन वर्ड है ना, वर्ड है इंडिया में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज, ओवरयूज, मिसअंडरस्टूड वर्ड। जैसे आधे लोग एग्जीक्यूटिव MBA सुनते हैं ना, ओहो कैट से नहीं है क्या? इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना, ये ना पता चले कि आप इतना 5-10 लाख 15 लाख रुपए लगा दिए
और उसके बाद जब सामने वाला आपको उतना वाओ वाला फैक्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि एमबीए वही होता है जो 2 लाख लोग एंट्री का जो एग्जाम देते हैं और उसमें 400 लोग या 500 लोग का एडमिशन होता है, वही एमबीए होता है। अदरवाइज तो क्या है, बाकी तो सब टेक्स्ट बुक में नॉलेज है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चैलेंज नहीं है। मस्त ओके, आप करिए ये ऑनलाइन एडुकेशन जो है, दैट्स इट। इसके ऊपर आपका क्या व्यूज है, बिकॉज फॉर मी इट हैज बीन द वर्ल्ड थ्रू माई लेंस। आपका कैसा एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूटिव एमबीए का, लेट अस लुक एट इन द कमेंट सेक्शन।